हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपसे वॉल पे एक ब्रिक बनाने का पूरा प्रोसेस शो करूंगी। आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड पे, लास्ट टाइम मैंने ये ट्राई किया था ये ब्रिक शेप बनाने के लिए, बट देन मैंने पीओपी मटेरियल यूज किया था जो कि थोड़ा सा लेस अधेसिव था वॉल पे। एंड आप देख सकते हैं काफी सारे पीसेज इसके वापस निकल के आ चुके हैं। सो अब मैं बिरला का वॉल केयर पुट्टी लेकर आई हूँ। सो लेट्स उस ट्राई करते हैं कि वो कितना अच्छा इफेक्ट देता है, ब्रिक का लुक देता है। सो ये रिमेनिंग वॉल जितनी आपको दिख रही है नीचे, ये मैं पूरा कंप्लीट करूंगी। तो इसके लिए आपको जो मटेरियल चाहिए वो मैं आपको एक बार शो कर देती हूँ। ये मैंने 3/4 इंच के मास्किंग टेप्स लिए हैं। आप साइज कोई भी आप ले सकते हो, जितना आपको गैप देना है ब्रिक्स के बीच में। सो ये ऐसे मैंने 5 रिंग्स लिए हैं, प्लस ये एक शीट होती है जिससे आप लास्ट में जब आपका मास्किंग टेप पूरा लग जाएगा ऐसे ब्रिक शेप में, तो आप इससे अच्छी से स्प्रेड करोगे और लेवल करोगे। सो ये उसके लिए है, प्लस ये वॉल केयर पुट्टी है। ये मैं अभी मिक्स करूंगी थोड़ी देर में, जब एक बार मास्किंग टेप हो जाएगा तब मैं आपको शो करती हूँ कि इसमें कितनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और अप्लाई करने के लिए। एंड लास्ट में जब सब हो जाएगा तो ये मैंने एक ब्रश लिया, रोलर लिया है, आप कोई सा भी रोलर ले सकते हो। लास्ट में थोड़ा सा आप ये देख सकते हो टेक्सचर लुक दिया हुआ है, ये थोड़ा सा ये उठा हुआ लुक। आप कोई भी और मटेरियल भी यूज कर सकते हो रफ लुक देने के लिए। मैं इससे रोलर से एक बार ट्राई करके देखती हूँ कि कितना इसमें इफेक्ट आता है। चलिए सबसे पहले मैं मास्किंग टेप अप्लाई करती हूँ। ओके, सो मैं अब स्टार्ट करती हूँ। थोड़ा लेंथी प्रोसेस है बट सी। आप देख सकते हो ये मैंने अप्लाई किया है, ऑल्दो इसे इसमें मेरे को अभी भी एक चीज करनी बची है। वन सेकेंड, ये आप देख रहे हो ऊपर वाले में जहां ये फर्स्ट ब्लॉक फिनिश हो रहा है, बाद में मुझे ये कट करके यहां यहां लगाना है, तो सेकेंड लाइन में वो उसके सेंटर में आएंगे, तो ये मुझे अभी कट करके फिर से चेंज करना है। ये मैंने स्टिक किया है, अभी मैं इसको चेंजेस करती हूँ। हर अल्टरनेट रो में मुझे ये सेकेंड लाइन में चेंज करना है। ऑलमोस्ट मेरे 2 ये मास्किंग टेप पूरे यूज हो चुके हैं, एंड थर्ड वाला मैंने जस्ट स्टार्ट ही किया था तो इतना यूज हुआ है। चलो मैं आपको नेक्स्ट फाइनल लुक दिखाती हूँ, एंड देन उसके बाद जब मैं पुट्टी मिक्स करूंगी तब आपको दिखाती हूँ। ओके, सो इसे अब हम मिक्स कर रहे हैं। ये मैंने बिरला की वॉल पुट्टी ली है। फिलहाल मैं इतना मिक्स करके देखती हूँ, एंड देन अगर लगेगा तो मैं और करूंगी। थोड़ा पानी डाला है इसमें। कंसिस्टेंसी का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ओके, सो अब ये रेडी है एंड मैं इसे अप्लाई करने जा रही हूँ। ओके, ऊपर वाले एरिया को भी स्लाइटली कवर करने की कोशिश की है पुट्टी से, बट लेट्स सी रिजल्ट कैसे आता है। एंड आप ऊपर देख सकते हो मैंने पूरी वॉल कवर ना करते हुए सिर्फ ऊपर ऐसे डिजाइन दे दिया है कि कुछ ब्रिक्स हैं, ये देख लीजिए इस तरह का लुक है। एंड लेट्स सी, अब मैं फिर से टेप रिमूव करती हूँ एंड इसके ड्राई होने का वेट करती हूँ।
आप देख सकते हो ये सारे टेप्स मैंने रिमूव कर दिए हैं, तो फिलहाल तो अच्छा लग रहा है, बट ड्राई होने के बाद चेक करते हैं कि कैसा है। एंड प्लस लास्ट में मैं सैंड पेपर लेके इसको थोड़ा अच्छी से करूँगी रब रब इन द सेंस, क्योंकि कहीं कहीं पर आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा पोर्शंस बाहर होंगे, सो उसको थोड़ा इक्वल करना पड़ेगा। नीचे वाले को देख सकते हो आप, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, सो उसमें जो भी शार्प एजेस होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, वो सारे फ्लैट हो जाते हैं। सो चलिए ड्राई होने का वेट करते हैं। तो ये फाइनल लुक वॉल का आ चुका है, आप बताइए कैसा लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, आप भी अगर ट्राई करें तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू।